दोस्तों, यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन आपके बीच में लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि भैया यूपी टेट जो 2023 में नोटिफिकेशन आना है वो हमारे बीच में कब तक आएगा। आपको पता है नए शिक्षा चयन आयोग के गठन पर बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। आप कह रहे थे कि भैया नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो गया है, तो आखिरकार यूपी टेट और सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। आपको पता है अभी तक यूपी टेट का जो आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी करते थे, लेकिन जो है पीएनपी को न दे करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब आपके बीच में जितनी भी भर्तियां हैं सभी को प्रस्तावित किया जाना है। लेकिन अगर देखा जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन अब आयोग कहाँ कैसे कार्य करेगा, कहाँ से, हालांकि मुख्यालय इसका प्रयागराज में ही होगा, लेकिन अब प्रयागराज में कहाँ होगा ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो पूरी तरह से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं यूपी टेट 2023 विज्ञापन संबंधी अधिसूचना, शिक्षा मंत्री का एक बयान आ रहा है नए शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, जो कि आप देख पा रहे हैं सुपर टेट विज्ञापन कब तक आएगा। आपको पता है सुपर टेट विज्ञापन से पहले हम बात करते हैं जो है आपके बीच में जो भर्ती प्रस्तावित है, जो आने के प्रबल चांसेस नजर आ रहे हैं वो 85,000 पदों के लिए है, और आपके द्वारा लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया अब भर्ती जो है, या कहा जाए अब भविष्य जो है धीरे धीरे अंधकारमय होता हुआ जा रहा है। आगे कहा जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर सवाल, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आपके बीच में सबसे पहले एक पेपर कटिंग को हम दिखाना चाहेंगे। ये पेपर कटिंग आप देख पा रहे हैं आपके बीच में लगा है। देखिए, सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि मंत्री के जो है उत्तर से बेसिक शिक्षक भर्ती पर प्रश्न, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे जो है प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सदन में दिए गए बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से झटका लग सकता है। आगे कहा जा रहा है जो आतरांकिक प्रश्न पर मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक व छात्रों का अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण है। उन्होंने जवाब में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के या शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी भी दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं आगे, लेकिन अब तक यह मंजूरी जो है यह मांग पूरी नहीं हुई है। इधर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्वीकृत पदों और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए पिछले दिनों सदन में प्रश्न लगाया गया था। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद हैं 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। इस तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद हैं 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 41,338 पद रिक्त हैं। यानी कहा जाए इतने भारी संख्या में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं, कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती है वो न आना बिल्कुल एक बेरोजगारी का दावत दे रही है। आपके मन में सवाल उठता है कि आखिरकार सबसे पहले यूपी टेट आएगा या सुपर टेट की भर्ती आएगी। देखिए, यह चीज़ें बिल्कुल लाजमी है, यह पूछना भी चाहिए कि सबसे पहले आपके बीच में यूपी टेट का आयोजन होगा। बिना यूपी टेट के ये सुपर टेट नहीं करवा पाएंगे, ये एकदम 101% सत्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिरकार यूपी टेट का आयोजन कब तक होगा। देखिए, यूपी टेट के आयोजन के संदर्भ में सबसे पहले आप नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में समझें। हालांकि अगर देखा जाए इसका गठन तो हो चुका है, गठन हो चुका है, मुख्यालय भी इसका प्रयागराज में ही होगा, लेकिन इसमें जो सदस्य होंगे यह कहां बनकर कार्य करेगा अभी इसके संदर्भ में कोई भी चीजें क्लियर नहीं है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी कि कहां इसका जो भी कोर्ट कानून जो भी चलेगा, जहां से चलाया जाएगा, हालांकि रहेगा तो प्रयागराज में ही, जैसे एक मुख्यालय नहीं होता है, मुख्यालय के तौर पर इसका कहाँ जो है सॉरी किस स्थान पर बनकर ये तैयार होगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक जाहिर सी बात है आपके बीच में यूपी टेट का आना बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो आप कह रहे थे कि भैया कब तक आ सकता है। एक चांसेस के तौर पर अगर हम बात करें
तो आपके बीच में अगर हम बताएं तो कम से कम ये मानकर चलिएगा अक्टूबर के लास्ट तक और नवंबर के जो है फर्स्ट सेकंड वीक तक आपके बीच में यूपी टेट का आयोजन हो सकता है। नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बात करें तो जनवरी फरवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता में आपकी जो सुपर टेट की भर्ती है वो फंस जाएगी, ये बिल्कुल सत्य है। इसी कारण से आपके बीच में सुपर टेट का विज्ञापन नहीं आ रहा है, चूँकि एक चुनावी मुद्दा बनेगा कि हम अगला चुनाव जीतेंगे तो आपके बीच में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। ये चीज़ें सत्य है, कहीं ना कहीं जो टेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं को पास अभ्यर्थी हैं उनका जो भविष्य है वो आज के समय में देखा जाए तो बिल्कुल अंधकार होता हुआ चला जा रहा है। उनके सामने रोजगार की समस्या है, रोजी रोटी की समस्या है, ये समस्याओं से लाचार युवा एकदम बेबस होकर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इन सभी चीज़ों के लिए एक विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन बहुत जल्द आपके बीच में किया जाएगा। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस धरना प्रदर्शन में एक सहभागिता अवश्य देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।